हेलो स्टूडेंट्स। तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से फाइनली सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट में भी पॉजिटिव नहीं आए, सेकंड में भी पॉजिटिव नहीं आए, सारे के सारे रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर है कि भैया एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हमारे मार्क्स से 140, 150, 100, 100 से भी कम है। यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है 200 प्लस, 200 से नीचे आ ही नहीं रहा है कट ऑफ। 150 मार्क्स यार जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, 100 मार्क्स से क्या एडमिशन होगा? बहुत सारे बच्चे यार ये जो बीए है, चाइनीज है, जर्मन है, इसके पीछे पड़े हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर कि भैया एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना जितना यार कट ऑफ जा रहा है। फाइनली अगर मैं बात करूँ यार इन कोर्सेज की, तो पिछले साल की अगर अपन बात करें तो सारी की सारी सीटें ऑलमोस्ट खाली पड़ी है। जैसे यहाँ पे अगर 31 सीटें हैं तो एटलीस्ट 17 सीटें भरी थी पिछले साल के। टीचर लोग बोले यार बच्चे आ ही नहीं रहे, और यहाँ पे इस साल ये क्या हो गया, कमाल हो गया भाई, 200 से कट ऑफ नीचे ही नहीं जा रहा है। पिछले साल की सारी सीटें खाली पड़ी है, जिन बच्चों को लेटरल एंट्री साला इसमें होता नहीं है, वरना अभी वहां पे भीड़ लग जाए। ठीक है, तो यार ये वाला सीन है। अब क्या ये कट ऑफ इतना ही रहेगा क्या? जिन बच्चों के मार्क्स कम है क्या उनका एडमिशन नहीं होगा? नहीं, ऐसा थोड़ी, बिल्कुल होगा, एडमिशन होगा, 50 मार्क्स है फिर भी होगा। ओके, तो यार इसके लिए हमारा एक पेड प्लान भी चल रहा है, आप जिसके अंदर इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम रिश्वत देके एडमिशन ले रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, तो यार बहुत सारी काउंसलिंग जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, ओपन काउंसलिंग कंडक्ट करती है, स्पॉट काउंसलिंग कंडक्ट करती है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कैसे रजिस्टर करना है, कैसे गूगल फॉर्म फिल करना है, कैसे रैंक डालनी है, कौन सी रैंक डालनी, कहाँ पे होता है, कितना फीस लेता है, कितना फीस नहीं लेता, किससे रजिस्टर करना है, किस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में 300-300, 1-1 हज़ार रुपये तुम लोगों ने बर्बाद किए होंगे। वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, मेरे लिस्ट में नाम आ नहीं रहा, वेटिंग लिस्ट में हजारों में नाम आ रहा है। ओके, तो यार उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, चार्जेबल प्रोसेस है, लेकिन हाँ एडमिशन उसके अंदर गारंटेड दिलाते हैं। गारंटेड का मतलब ये नहीं है कि हम कोई AK-47 लेके जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों को उड़ा के लिए, तुम्हारे लिए सीट लेके आएंगे, ये वाला सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे भी सीट्स वेकेंट होती है ओपन काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग वगैरह वगैरह में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा कर बुक के करवा देते हैं। ओके, तो यार मतलब ये चार्जेबल क्यों है और ये गूगल फॉर्म वगैरह क्यों दिया गया है? यार जैसा कि पहले मैंने व्हाट्सएप नंबर भी यूज करता था, बहुत ज्यादा बच्चों की मतलब आ जाती क्वारी वगैरह, तो इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास, पढ़ाना भी होता है, पढ़ना भी होता है। ओके, तो यार मतलब व्हाट्सएप वगैरह पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यार मतलब बहुत ज्यादा बच्चे भी क्वारी करने लगते हैं कि भैया मेरे इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे कॉल भी करते हैं यार, हेलो सर वो जो है ना सर्वर चल नहीं रहा है, हेलो सर वेबसाइट नहीं चल रही है। भाई हम क्या करें, वेबसाइट नहीं चल रही है तो हमें मतलब इतना ज्यादा बच्चे परेशान करते हैं, भैया वेबसाइट चल नहीं रही, ये एरर आ रहा है, दिस साइट कैंट बी रीच्ड, हम क्या करें? यार हमारे पास इतना टाइम थोड़े ना होता है कि हर बच्चे की ऐसी ऐसी क्वेरीज का जवाब दे पाए। ठीक है, तो यार वो ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे बच्चे गूगल फॉर्म फिल कर दें, तो इसीलिए सम अमाउंट रखा जाता है। ये अमाउंट इसीलिए रखा गया, तुम्हारा 100% एडमिशन अगर पॉसिबल होता है, करवा पाते हैं, तभी मतलब ये हम रखते हैं, वरना तुम्हारा वापस रिफंड इनिशिएट कर दिया जाता है। जैसे तुम्हारा गूगल फॉर्म फिल होता है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करती है कि आपने ये गूगल फॉर्म फिल किया है, ओके, देन आपके इतने मार्क्स है, आपने यूनिवर्सिटी स्कोर कार्ड अपलोड किया है, आपने जो भी है जहाँ पे फिल करते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, आपको इस मार्क्स पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, क्या आपका इस साल कोई चांसेस है, इस साल कोई चांसेस नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियरली बता देंगे कि आपका होगा कि नहीं होगा। 100% साफ साफ बोलते हैं हम। ठीक है, मीठी गोली नहीं देनी हमें, ठीक है, क्योंकि बच्चे का 1 साल का फ्यूचर होता है। अगर तुम्हारा एडमिशन होता है कि भैया इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, अपने ये डॉक्यूमेंट जो भी है ये दे दो, जैसे इसके अंदर 100% हो जाएगा, तुम्हें साफ साफ ही बता दिया जाता है, जैसे तुम्हारे मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे। अगर नहीं होता है तो जैसे तुमको साफ साफ बता दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारे पैसे वापस पकड़ो, जिसपे पेमेंट मेथड से तुमने लेने हैं, वापस हमें बताओ, तुम्हारा पैसा वापस सेंड कर दिया जाता है और तुम्हारा मतलब नहीं होने वाला है, होने वाला है। ठीक है, एंड 99% हमारी तरफ से पूरा यही ट्राई किया जाता है कि तुम्हारा किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाए, एडमिशन करवा दिया जाए। ओके स्टूडेंट, और तो यार थोड़ा कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। आज देख सकते हो यार कट ऑफ 218 मतलब नीचे उतरा ही नहीं है। ठीक है, 195 पे ये टक गया, 194 देख सकते हो। ओबीसी का भी मतलब ये कौन सी कैटेगरी है पता है, जर्मन की बात कर रहा हूँ मैं, जर्मन की, चाइनीज की सीटें भरती नहीं है साला, चाइनीज लेके क्या करोगे यार तुम लोग? ओके सॉरी सॉरी, तुम लोगों ने जर्मनी और चाइना जाना है ना, हम तो इंडिया के लोग हैं। ओके ठीक है,
तो यार यही सारा का सारा सीन चल रहा है, कट ऑफ नीचे नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा गूगल फॉर्म रजिस्टर कर सकते हो या फिर एंड मोमेंट तक लड़ सकते हो। ओके, मैं तो यही ट्राई करता हूँ कि 100% तुम्हारा एडमिशन करवा पाऊँ। ओके, एमएससी लाइफ साइंस की अगर अपन बात कर लेते हैं, देख सकते हो 192 से नीचे नहीं गया है। ये जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये टॉप का बंदा है। ओके, एंड ओबीसी के अंदर भी 176 मार्क्स है, और एससी के अंदर माय गॉड 151, एसटी में 133। ओके स्टूडेंट, तो इन दिस केस द मेरिट लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क इज क्वालिफाइड डिग्रीज। ओके, क्वालिफाइड डिग्री का मतलब ये है कि तुम्हारे जैसे ग्रेजुएशन में टॉप किया हो तुमने, तो उस बेसिस पे एमए इन हिंदी, इसकी भी थोड़ी ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन मतलब जॉब्स वगैरह कम अवेलेबल है इसमें। ओके तो यार माय गॉड, इसमें थोड़ा कट ऑफ कम ही है वैसे। ठीक है, ये 100 नंबर गया है क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम बच्चों का होता है, जनरल में 69 नंबर गया है। ओके ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स चेक कर लेते हैं यार। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ओके अभी घबराना नहीं है, अभी तो एंड मोमेंट तक लड़ेंगे। ठीक है, विस्की विस्की पियेंगे। ओके, बड़ी बड़ी बोतलें आएगी। ओके ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ बहुत ज्यादा आगे जाएगा यार, अभी क्यों चिंता करते हो। अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके बाबू, ठीक है, देखते हैं एमएससी केमिस्ट्री। ओके माय गॉड, 213 मार्क्स जनरल कैटेगरी, एंड ओबीसी 187 एंड 129, एससी कैटेगरी और कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह वगैरह, देख सकते हो यार। मतलब जो बहुत सारे ये जो है, आई थिंक फिर इन लोगों को यही करना चाहिए कि तीन तीन यूनिवर्सिटियों वालों कर देना चाहिए वापिस, वरना तो यार पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी फिर बच्चों की। के पिछले साल 0-0 मार्क्स के एडमिशन कराया भाई हमने, 0 पे। एंड मोमेंट पे सर कॉल करते हैं, भैया एडमिशन सारी सीट की खाली पड़ी है, ओके एडमिशन ले लो। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है अभी। ओके, लास्ट में एंड मोमेंट पे सीटें खाली पड़ी रहती है, प्रिंटिंग सिविल। तो फिर क्या करते हैं यार, गवर्नमेंट वाले भी बेचारे ये चाहते हैं कि बच्चे आए कम से कम पढ़े। ओके, यूनिवर्सिटी की सारी सीटें भर जाए, गवर्नमेंट को कोई लॉस ना हो। स्पोर्ट राउंड वगैरह कंडक्ट किया जाता है ताकि सीटें ना भरे, मतलब बच्चे नहीं। ओके, ताकि गवर्नमेंट को कोई लॉस ना हो। एआईसीटी वगैरह घाटे में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, टीएफडब्ल्यू सीटें कैंसिल कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेजों की। शर्म करो एआईसीटी तुम। ओके, देख सकते हो यार कट ऑफ पे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देख सकते हैं अभी स्पोर्ट राउंड तक लड़ेंगे, एंड मोमेंट तक लड़ेंगे। मेरा गूगल फॉर्म जरूर रजिस्टर करिए। ओके एंड ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर एडमिशन का ठान लिया तो गूगल फॉर्म रजिस्टर करो, 100% ट्राई करेंगे एडमिशन कराने का। ओके, कोई मतलब वो इलीगल वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, काउंसलिंग बेस पर ही कराते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी जिंदगी बीत गई हमारी एडमिशन कराते हुए, ठीक है, तो जस्ट अगर तुमको चाहिए तो रजिस्टर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।